Listening for James. नहीं जी, मैं चीप नहीं, हमारी जटन बॉन्ड की स्क्रिप्ट चीप है। इतनी चीप स्क्रिप्ट कैसे हो सकती है? An open place. वो ये मशीन किसी छोटी मोटी जगह में नहीं रख सकता। मगर कौन सी खुली जगह? उस जगह का कैसे पता चलेगा? वो जी मेरा ख्याल है मुझे मालूम है ये कौन सी जगह है। डॉक्टर साहब मशीन तकरीबन तैयार हो गई है क्योंकि इसमें थोड़ी देर रह गई है चार्ज होने में। एक्सीलेंट! यानी कि मैं अपनी मंजिल से चंद ही कदमों के फासले पे हूं। सुदे, सेक्रेटरी, क्या तुम हमारे फाइनल जर्नी के लिए तैयार हो? पफी, मैडम से पूछने का टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूं। आप क्या करें? ओ जी, अब तो और कोई चारा ही नहीं है। चले भाग। और मैं? ओए चकिया, उठे जाके उन खीर बनाई। चल। या अल्लाह खैर, मिलते हैं आपसे पास्ट में। अल्लाह। ओए तू दिखा रहा है? अच्छा, मेरी आंखों के आगे भी तेरा जाग गया मेरी। चुप करो तुम दोनों। ये देखो, ये देखो। लाइट। कोई अंधा नहीं हुआ। बॉन्ड, तुम्हारे पास लाइटर कहाँ से आया? कहीं तुम छुप छुप के सिगरेट तो नहीं पीते? सिगरेट? नहीं, इट्स लाइटर इज अ पार्ट ऑफ माय गैजेट्स। ओहो जी, अंग्रेजी छोड़ना बंद करें और बत्ती का कोई बंदोबस्त करें। एट्रैक्टर साहब, ए बत्ती वालों, बाहर जट साहब, हो सकता है यहाँ बत्ती हो ही ना। क्यों भाई, तुम्हें पता नहीं हम लोग पास्ट में आ गए, यहाँ बत्ती जल ही ना सके फिर। मगर हम कितने साल पीछे आए हैं, हमें क्या पता? क्यों आपको क्यों नहीं पता? अगर आपको पता होता यहाँ की वजह यहाँ है। ये 16th सेंचुरी यानी कि 16वीं सदी है। 16वीं? सर जी इतना पीछे नहीं है, मैं तो समझा 6-7 साल पीछे जाएंगे। छह सात साल पीछे जाने से कोई फायदा नहीं होना था। तो फिर इतना साल पीछे आने का क्या फायदा? भाई फायदा है ना, मैं तुम्हें अपना प्लान बाद में बताऊंगा। सर जी वो तो ठीक है, मगर ये जमाना किसका है? ये मुगलों का जमाना है। और हमारा चुगलों का जमाना था। भाई चुप करो, ऐसे टिश बटन को ढूंढने की कोशिश करो, उसे मेरे सारे प्लान के बारे में पता है। वी मस्ट फाइंड हिम। प्रोफेसर साहब जिंदा तो होंगे ना? हाँ हाँ भाई, वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। हमें जो है ना बादशाह के सिपाहियों से छुपना पड़ेगा, वरना हमारा कुछ नहीं बचेगा। सर लेकिन हम बादशाह तक पहुंचेंगे किस तरह? भाई मेरे पास प्लान है ना, हम वक्त में एक ऐसे टाइम पर आए हैं जब मुगलिया खानदान एक अजीब से मसले से गुजरने वाला है। मसला? सर कैसा मसला? कोई एक मसला हो तो बताएं। इस उम्र में हारों का इतना बोझ, ऊपर से हमारा दर्जी इतने तंग कपड़े सीता है कि वजन की फिक्र लाहक हो जाती है। फिर ये आवाज, इस आवाज में क्यों बोलते हैं? आली जा, चल जा। और तानसेन, कभी तो कोई बात बगैर गाय भी कर लिया कर। बखुदा, ये सितार और तबला क्या पहले कम थे जो तुमने माफी को भी बजाना शुरू कर दिया? क्यों हमसे खफा हो गए हैं जाने तमन्ना? भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते? आलीजा इतने नाराज क्यों हो? और टिच बटन, बाखुदा तुमने हमें खुश कर दिया, बैठो। शुक्रिया। तुम ही हमारे मसले का कोई हल बताओ। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ आलीजा? टिच बटन, तुम्हें मुशीर बनाने का हमें क्या फायदा हुआ? तुम्हारे कहने पर हमने अपने दरबार में वो क्या है वो तुम जो लेके आए हो, वो हाँ वो साइंस मुतारिफ करवाई।
लेकिन हमारे मसले का कोई हल नहीं हुआ। मसले की नौयत क्या है आलीजा? कोई एक हो तो बताएं। सबसे पहले तो ये आवाज, तो इस तरीके को बदल ले। ये नहीं हो सकता। हमारी असल आवाज इतनी नरम चौदा है कि किसी पे रो भी नहीं पड़ता। खैर छोड़ो इसको भी। दूसरी अहम बात, हमारे ये कपड़े, ये हमारा दर्जी इतने तंग और इतने भड़कीले कपड़े सीता है कि हमें लगता है कि हम अपने ही वलीमे के लिए तैयार बैठे हैं। माशाल्लाह अलीजा, लेकिन इन तमाम कपड़ों के अलावा एक और ऑप्शन भी है, वो है अंडरवेयर यानी लंगोट। मेरा ख्याल है आप इन्हीं कपड़ों पर गुजारा करें। लंगोट? तौबा तौबा, ये क्या कह रहे हैं आप। खैर इसको भी छोड़ो। तीसरा और सबसे अहम मसला है हमारा जिगर। आलीजा कितनी बार कहा है सिगरेट कम पिया करे, ठीक हो जाएगा। सिगरेट? हौल वला कुव्वत, हम इस जिगर की नहीं, अपने जिगर, लख्त जिगर, शहजादा सलीम उर्फ शेखू की बात कर रहे हैं। ओ प्रिंस सलीम, मेरा मतलब शहजादा सलीम। हाँ, वो हमारा जिगर, उसके लिए हमने इतनी बड़ी सल्तनत बनाई और वो पता नहीं क्या क्या बनाता फिर रहा है। अनारकली, सलीम, तुमसे तो सही तरह दौड़ा भी नहीं जाता। अनारकली, कम से कम हमें शहजादा तो कहो, अकरम शहजादे हैं। क्या हाक शहजादे हो, एक हीरा तक तो तुम ला नहीं सकते। अनारकली, ऐसे ना कहो, तुम्हें तो पता है कि हमारे महीने का जेब खर्च सिर्फ दो अशरफिया है। तो फिर मोहब्बत भी उसी से करनी थी जो दो अशरफियों में खुश रह सके। अनारकली, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या मेरी दौलत से? दौलत से। हाय अनारकली, इस कदर संगदली, इस दिले नातवा पर कितनी गरा कदर छू लिया, एकदम वारद हुई। तुमसे कितनी दफा कहा है इतनी मुश्किल उर्दू में बात मत किया करो, आसान उर्दू में बात करते हुए क्या मौत आती है? क्या तो और क्या, दो शर्फिया जेब में रख के बड़ाया मोहब्बत करने वाला शहजादा। ताश करता रहूंगा कब तक। मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि डॉक्टर इवन यहाँ क्यों आया है। ये तो हमें नहीं पता। We'll just have to find Dr. Evil. Dr. Evil हमें ऐसे नहीं मिलेगा। ओह जी, तो फिर कैसे मिलेगा? वो ऊपर छत पे चढ़ के उसको आवाज़ें ना दे। जी हाँ जरूर, ताकि सबको पता चल जाए कि हम यहाँ आए हुए हैं। ओह जी, तो फिर सोचिए क्या करें हम लोग। मेरा ख्याल है कि हमें अलग-अलग डायरेक्शंस में जाकर उसे ढूंढना पड़ेगा। गुड आइडिया बॉन। पप्पी, आप और जट्टी इस तरफ जाएंगे और मैं इस तरफ जाऊंगा। जी तो बचे बाकी हम दोनों। Exactly, बाकी बचे आप दोनों। जज साहब, आप और कोरा इस तरफ जाएंगे। ओ बोर्ड साहब, क्या आपने टीम बनाई है। ओ कसम से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ऐसी टीम नहीं बना सकता। Okay, अब तुम लोग जल्दी निकलो, अब से ठीक दो घंटे बाद हम यहीं मिलेंगे। Okay? Hold on, ये पप्पी और जट्टी तो इस तरफ जा रहे हैं, बॉन्ड साहब आप उस तरफ,
मैं और जट इस तरफ, लेकिन उस तरफ कौन जाएगा? उस तरफ ये कौन? ये कैमरा। ओके लेट्स मूव। चल मगर सर जी, इस तरह तो प्रोफेसर टच बटन नहीं मिलेगा। तो फिर हम क्या करें? भाई सुधा ठीक कह रहे हैं, लगता है हमें एक और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक और तरीका? कौन सा दूसरा तरीका? भाई है तो बहुत बड़ा तुक्का, मगर ये तुक्का हमें मारना पड़ेगा। तुक्का? कैसा तुक्का? वाह वाह इवल वाह, यानी क्या तुक्का मारा है तुमने? खुद को अपने आप को सिपाहियों के हवाले कर दिया और कहा कि प्रोफेसर टच बटन के मेहमान हो तुम लोग। शुक्र करें आगे सिपाहियों को आपका पता था, वरना अगर ना पता होता ना तो इस वक्त हम किसी मशीन के नीचे होने थे। शुक्र करें बादशाह की मशीन है। छोड़ो इस बात को, वैसे प्रोफेसर मैं इतना लेट आने के लिए माजरा चाहता हूँ, असल में वो हमारी जो मशीन है वो जरा तबाह हो गई थी। वो तो उसने होना ही था, मैंने जो बनाई थी। जोक है और हंसो। बेशक बेशक बेशक। वैसे ये बताएं, आपको बादशाह अकबर के करीब होने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हरगिज नहीं, मैंने अकबर बादशाह को अपने 3-3 मिनट के 2 एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, वो मेरा फैन हो गया। फैन से याद आया, गर्मियों में यहाँ लोग क्या करते हैं? सर्दियों का इंतजार बेवकूफ। भाई तुम दोनों भाई चुप हो, मेरी बात सुनो और आगे के प्लान को एक्सरसाइज करने का इंतजाम करो। एक्सरसाइज शुरू करें? मगर कौन सा प्लान? ये भी पता चल जाएगा। तो प्रोफेसर ये बताएं कि आपको बादशाह अकबर के पास वो चीज मिली? पहले तो मुझे हंस के दिखाओ। शाबाश, हाँ वो चीज अकबर बादशाह के ताज में चकमगा रही है, चकमगा रही है, चकमगा रही है। सर जी बालों की बात हो रही है ना? हाँ अगर चकमगाते हैं तो वो तो इंग्लिश शैम्पू यूज करते होंगे। टीवी कमर्शियल बहुत देखती है ये। ओ भाई बालों की बात नहीं कर रहे हम, बादशाह अकबर के ताज में लगे कोहे रीमा की बात कर रहे हैं। खुशनुमा और धीमा। कोहे नूर का तो सुना था, कोहे रीमा क्या चीज है? ओ भाई कोहे नूर जो था वो बादशाह औरंगजेब के जमाने में था, कोहे रीमा अकबर के जमाने में। अच्छा वैसे जो भी है इसका हमें क्या फायदा होगा? इसका हमें बहुत सारा फायदा होगा। इस हीरे को लेके हम वापस 2003 में जाएंगे और इसे वर्ल्ड विलन फेडरेशन को बेच देंगे, जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, हम अमीर हो जाएंगे और हमारा फाइनल प्लान कामयाब हो जाएगा। सर जी वाह, क्या दूर की सोची है। अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सोची। थैंक यू। तो प्रोफेसर अब मुझे बादशाह अकबर के करीब ले जाने का इंतजाम करें। ये तुम मुझ पर छोड़ दो ईवल, हंसते हैं। इतनी दूर की ये कैसे सोच लेते हैं? यकीनन दूरबीन लगा के सोचते हैं। Damn! I must tell others about it. नहीं फलकनाज नहीं, ये भी कोई बात के बाद किस जुमरे में हो सकती है? मलका आलिया का कश्मीर जाना उनके बस से बाहर था, क्योंकि उनकी छोटी बहन के नवासे का अकीका जो था। अकीका? छोटी बहन के नवासे के अकीके की इतनी फिक्र है उन्हें, और जो उनके बेटे के दिल पे गुजर रही है उसका जरा से भी एहसास नहीं उन्हें। शहजादे उन्हें आपके दिल की कैफियत का जरा बराबर भी अंदाजा नहीं था। हो भी जाता तो क्या फर्क पड़ता, उस संदे लनार कली के तबीयत में हमारी मोहब्बत की जू तक नहीं रीखती। शहजादे मैं तो आपके हजूर में ये पहले ही दरख्वास्त पेश कर चुकी हूँ की ये नचड़ी अनारकली आपके दिल का नायाब तोहफा कबूल करने के बिल्कुल भी अहल नहीं है। मोहब्बत ना करे उससे तो क्या करे? करेंगे तो बादशाह सलामत, जब मिलेगी उनको खबर दुराने हजामत। ओहो कोरा बीबी मैं तंग आ गया हूँ। ओ जी छुप छुप के मुझे लग रहा है कि हम लोग यहाँ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। साहब शुक्र करें हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं, अगर पकड़े गए ना तो नेजे से पिंच कर करके मारेंगे हमें। ओहो जी पिंच करें या इंच बाय इंच करें? ओ जी मैं थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करने दें। जट साहब फॉर गॉड सेक, हम इतनी टेंस सिचुएशन में फंसे हुए और आपको रेस्ट करने की पड़ी हुई है। ओ कोरा बीबी आपको पता है ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जट अ डल बॉय। अब ये रट्टी हुई अंग्रेजी ना बाद में मारना, अभी जल्दी चले। मुसीबत कैसी? अगर आप लोग हमारे वजीर टच बटन के मेहमान हैं तो हमारे भी मेहमान हैं। और हाँ, टच बटन ने बताया कि आप लोग साइंस के शोबे में बड़ी महारत रखते हैं,
تو یقیناً آپ کی دوستی ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی. بے شک بے شک بادشاہ سلامت. سر جی سلامت میرے درزی کا نام بھی ہے. او بھائی چپ کرو. پروفیسر میرا مطلب ڈاکٹر ایول نے حکمت کے شعبے میں بہت نام کمایا ہے اور دونوں ہاتھوں سے گوایا بھی ہے. او بھائی یہ تو بس ڈاکٹر ٹیچ پٹن کی بندہ نوازی ہے ورنہ میں کس کام کا. بادشاہ سلامت کو ہنس کے دکھاؤ. وہ آپ سے ایک سوال پوچھوں. ہاں ہاں پوچھو. آپ کی آواز کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میں نہیں کیا مطلب کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا سودے؟ ٹھہرو ٹھہرو اسے بولنے دو. اگر عام عوام کو ہماری آواز میں مسئلہ نظر آ رہا ہے تو یہ تشویش کی بات ہے. وہ میں تو جی بس ویسے ہی. ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی آواز پھٹے ہوئے ڈھول کی طرح کیوں ہے؟ بالکل بالکل. اس کا مطلب میں پکڑا گیا؟ میرا مطلب ہے کہ تم بہت اچھا مذاق کر لیتے ہو ٹچ بٹن. ہم انہیں شاہی مسخرے کے منصب پر رکھنا پسند کریں گے. جی ہاں کوئی اور مسئلہ؟ مسئلہ ہند درپیش آ گیا ہے اے بادشاہ. دانسین گانا بند کرو اور سیدھی طرح بات کرو. معافی چاہتا ہوں حضور والا. کیا بات ہے اتنے گھبرائے گھبرائے کیوں ہو؟ آپ بھی خبر سنیں گے تو آپ کس حسین چہرے سے یہ شاہی رنگ پر لوگ سدھارنے کا سما کر لے گا. دانسین تمہیں کئی مرتبہ کہا ہے کہ آسان اردو میں بات کیا کرو. تم جانتے ہو کہ بچپن سے ہی ہم اعلیٰ اردو میں فیل ہوتے آئے ہیں. پھر سے معافی چاہتا ہوں حضور والا بات ہی ایسی ویسی ہے. دانسین جلدی جلدی بات بتاؤ ہوا کیا ہے؟ حضور والا اپنا دل پتھر اور سینہ سٹیل کا کر لیں کمبینیشن اچھا رہے گا. چپ چپ چپ. جی کیا بات ہے جی؟ وہ ہوا جس کا سن کر دہلی کے لال قلعے کی یہ دیواریں ہل جائیں گی. ہیں سیمنٹ دو نمبر ہوگا نا. او تانسین جلدی بتاؤ ایسا نہ ہو کہ ہم عالم تجسس میں ہی دیوانے ہو جائیں. تو سنیے حضور 6 فٹ دور. کورا بی بی آپ کدھر؟ ادھر چیک کرتے ہیں. او جی چاہے آپ ادھر چیک کر لیں چاہے آپ ادھر چیک کر لیں. او جی نہ ہی وہاں کچھ ہے نہ ہی یہاں کچھ ہے. او جی ایول پارٹی یوں نہیں ملنے والی. کورا بی بی کیا کر رہی ہے آپ پچ کیوں کر رہی ہیں مجھے؟ او جی نہ ہی یوں کرے کیا کریں. میں نے کوشش نہیں کرنا اجنبی. اوئے اجنبی کون ہے؟ اور تم تمہیں کہا ہلنا نہیں ہے. ایک تو کچھ کتاڑیاں کر تو اوپر سے کہتا ہلنا نہیں ہے. میں تو لوں گا. پھر تو پاگل لگتا ہے. ہیں اوے جٹ پاگل ہو گیا تانو سمجھ نہیں آنی. جٹ صاحب کنٹرول. ابھی تو آپ کو میری گردن نظر نہیں آنی. وہ تھی مگر پلیز آئے کہ تے پاکستانی آ کے اتھے رہ جاندے نے. ہتھیار ادھر دو. ہیلو پھڑو آگے لگو. او کورا بی بی آپ کا مسکم آواز ہی دیتی کہ آپ کے سر پہ نیزہ ہے. جٹ صاحب اگر میں آواز دیتی نا تو یہ نیزہ میری گردن میں ہوتا. او جی چھڈو جی. تھینک یو آپ کا بہت. تیرنا نہ آتا تو دریا میں ڈبکی نہیں لگانی چاہیے. جی جیسے بھی ہو بھلے لگے اس لیے سپاہیوں کے شکنجے سے بچا دیا.
ورنہ تو ساری زندگی ہمارا ضمیر ملامت کرتا رہتا کہ خوش عقل انسان زنگا لوگ نیزے کی زد میں آ گیا. جی جی میں اجنبی ہوں اس لیے اجنبیوں کی ہچکچاہٹ کے ساتھ یہاں پہ گھومنا پھرنا, ورنہ محل کے لوگ تو اپنوں کا لحاظ نہیں کرتے. آپ تو پھر ایک اجنبی ہو. گاڈ واٹ اے وومن, کیا کمال عورت تھی. اتنی باتیں کر گئی, کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا. یہ تو آئیڈیل وومن ہے, مگر وہ کون تھی؟ نہیں نہیں نہیں, اب اکبر کے جاؤ جلال سے کوئی نہیں بچے گا. جی اکبر کا جاؤ جلال نہ ہو گیا, اٹامک بم ہو گیا. بھائی تم چپ کرو ورنہ یہ بم ہمیں پہ گر جائے گا. اس معمولی کنیز کی یہ ہمت کہ وہ ہندوستان کے شہزادے کے ساتھ محبت کرنے کی جرت کرے, کیا وہ ہندوستان کے ٹکڑے کرنا چاہتی ہے؟ 400 سال بعد تو ویسے ہو جاتے ہیں. سپاہیو جاؤ, پپی صاحب کی درجہ آ رہے ہیں, ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے. نہیں نہیں وہ دیکھو وہ ایک بندہ بیٹھا ہے, وہ سپاہی نہیں لگ رہا نا, اس سے چل کے پوچھتے ہیں. کہیں ہمیں پکڑ ہی نہ لے. وہ ایک ہے, ہم دو ہیں, کنٹرول کر لیں گے نا. آپ ہی کنٹرول کریں گے, میں تو نہیں کروں. کیوں پپی صاحب, میرے ناخن خراب ہو جائیں گے نا. تم بھی بس آؤ. ایکسکیوز می, ذرا بات سنیے گا. کون ہے بھائی؟ بہت دھوم ہے. سکے نہ رک سکے ایسا وطن تو.